हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में SSC HSL 3 जुलाई 2019 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको पता चल सके कि एग्जाम में क्या पैटर्न आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ इसमें आज सभी GK के ऑल क्वेश्चन एवं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका आया था, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 15% पर एनम इज 4067, फाइंड द SI on it फॉर 24.5 ईयर्स एट द सेम रेट। तो इस टाइप क्वेश्चन आया था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 6,667.2 रुपीज़। दोस्तों, आपका सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आया था मैथ में। एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा गया था, यदि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% आर ऑफर ऑन ए मार्क प्राइज ऑफ रेट 1,250, वाट विल बी द सेलिंग प्राइज। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, डिस्काउंट आ जाएगा 700 रुपये। जब आप इसको आंसर को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 700 रुपये। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका, 18 मेन रिक्वायर नो डेट टू कम्प्लीट ए वर्क। आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था एक, इसमें आपसे पूछा गया था 18 मेन रिक्वायर नो डेट टू कम्प्लीट ए वर्क, दे वर्क फॉर 5 डेज एंड देन 6 मोर मेन ज्वाइन, तो इन हाउ मेनी मोर डे विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश। इसका आंसर दोस्तों 3 डेज इसका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 डेज। अब GK की बात करते हैं दोस्तों, GK में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हु गॉट द मेन बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2018 के लिए किसे मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा अन्ना बर्न्स को 2018 के मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, 2019 का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 2019 का भी याद कर लीजिए, 2017 का भी याद कर लीजिए, क्योंकि 2017, 18, 19 और जो सर्वप्रथम जिसको मिला था वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में, तो आपको याद कर लेना है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा दोस्तों, द डिजीज नेम गोइटर अकर ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा आयोडीन। जो गोइटर नामक डिजीज हो जाती है वो किसकी कमी के कारण से हो जाती है, तो दोस्तों हो जाती है आयोडीन की कमी के कारण से। दोस्तों, जो गला होता है, गला फूल जाता है क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है, तो गला फूल जाता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण से गला फूल जाता है, तो ये किसी कमी कारण से होता है, या आयोडीन की कमी के कारण से होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज डिफेटेड इन 1774 रोहिला वार। जो 1774 में रोहिला वार हुआ था उसमें कौन आ रहा था, मतलब किसकी हार हुई थी। तो इसका आंसर दोस्तों, नवाब अवध या अयोध्या बोल सकते हैं, उसमें हार देते रोहिला से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम वॉन द सुल्तान अजलन शाह कप 2018। जो 2017 का सुल्तान अजलन शाह कप कौन सी कंट्री के द्वारा जीता गया है। दोस्तों, जीता गया ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, आपसे पूछा जाए सुल्तान अजलन शाह कप कौन से खेल से संबंधित है। जो सुल्तान अजलन का ट्रॉफी दी जाती है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर दोस्तों हॉकी से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आपसे, पुलिकेट लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। जो पुलिकेट लेक है वो कौन से स्टेट में बहती है, कौन से स्टेट में स्थित है, तो इसका आंसर दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है पुलिकेट लेक। एक क्वेश्चन आप पूछा गया था आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्स एक्ट ऑन ए स्विमर। जो स्विमर होता है, तैराकी होता है, वो कौन से फोर्स का, उनको नियम का पालन करना होता है, कोई भी जो तैराकी होता है उनको कौन से नियम का पालन करना होता है, तो इसका आंसर दोस्तों बायोन्सी फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्यांता बल, श्यांता बल का उनको पालन करना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इज सेटल्ड बाय। तो इसका आंसर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट मतलब जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर कौन उसका निपटारा करता है, कौन उसको सुलझाता है, तो दोस्तों जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो उनको सुलझाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होने पर उसको निपटारा करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के वर्तमान में जो प्रेजिडेंट है वो कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों जोको विडोडो, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया।
आज चलते हैं एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, कोलेरू लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, कौन से राज्य कोलेरू लेक के किनारे स्थित है। तो इसका मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो कोलेरू लेक के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको लेक से संबंधित क्वेश्चन याद करके जाने, क्योंकि कल 3 जुलाई के शिफ्ट में सभी शिफ्ट में आपके एक लेक से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो आने वाली शिफ्ट में भी आ सकता है दोस्तों। जितने भी मेन जो लेक है भारत के अंदर, वो सभी आपको याद करके जानी है कि कौन सा स्टेट कौन से लेक के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए बेरोमीटर इज यूज टू मेजर, जो बेरोमीटर होता है वो किसका उपयोग किया जाता है, तो बेरोमीटर किस काम में आता है। तो दोस्तों इसका आंसर एयर प्रेशर, जो हवा का दबाव होता है उसको मापने के लिए बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सिनोनिम्स ऑफ इम्पेड, इम्पेड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पेड यानी होता है धकेलना, तो इसका जो हिंडर का मतलब होता है रोकना होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पेड का सिनोनिम्स होता है दोस्तों, सॉरी इम्पेड मतलब रोकना होता है और हिंडर यानी भी रोकना होता है। एक एंटोनिम्स पूछा गया था इंस्टेंट का, जिसका अंदर दोस्तों डिले, इंस्टेंट मतलब होता है जल्दी करना और एंटोनिम्स होता है इसका डिले मतलब रोकना, धीरे धीरे करना मतलब डिले। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच डिवाइस वाज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें कौन सी डिवाइस का यूज किया गया था, तो उसका यूज किया गया था दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन की बात करें दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, इंडिया रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, क्या है, तो इसके आंसर दोस्तों 130वीं रैंक थी। तो आपको जितने भी अभी इंडेक्स हुए हैं उसमें जो इंडेक्स जारी किए गए हैं उस सभी की आपको याद करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, पीसफुल इंडेक्स और WTO इंडेक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हुए हैं दोस्तों जो भी भारत में रैंकिंग है वो सभी आपको याद करके जानी, क्योंकि एक इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन आएगा और एक युद्धाभ्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से देशों के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, भारत के साथ जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं दूसरी कंट्री को सभी आपको याद करके जाने। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हल्दीघाटी बैटल वाज फॉट बिटवीन, जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था किन के बीच में हुआ था, तो युद्ध हुआ था मुगल व महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें से अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, मुगल शासक अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। यह आपका रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन है, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज दी गई कोड में यदि पजल को आप लिख सकते हैं JUPELZ, तो आपको गेबल्ड को कैसे लिख सकते हो, तो इसका आंसर दोस्तों BHGDEL, मैंने आपको बता दिया इसे करके। यह आपको रीजनिंग क्वेश्चन आया था MNM NOL OPK POJ, और यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है आपको क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको आंसर बताना है, उसके बाद QRI दे रखा इस टाइप से आपको आंसर देगा QRI। एक क्वेश्चन आपका ओड इन आउट विषम संबंधी क्वेश्चन आया था आपका, ओड इन आउट वाला लार्वा बीड्स बार्क क्रोक दे रहा, तो इसमें आपको डिफरेंस बताना चाहिए, इसमें 3 सही है 3 समान और 1 विभिन्न है, तो इसका दोस्तों लार्वा इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीके का, एज ऑन 2019 विच प्लेयर है जिसको मोस्ट रन इंक्लूडेड ऑल द फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, 2019 में कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे सभी फॉर्मेट के अंदर, बात करें वनडे में, T20, टेस्ट मैच सभी के अंदर कौन से क्रिकेटर ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो उसका आंसर दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हु इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ Republic TV, जो Republic TV है उसके एडिटर इन चीफ कौन है, तो इसका दोस्तों अर्नब गोस्वामी है। एक बार भी रीनिंग क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका ओड एंड आउट का, इसमें आपको 171, 173, 179, 167 दे रखा था, इसमें आपको बताना तो ओड क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों 171 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ट्रिप्लस फॉर्मेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्पोर्ट, जो ट्रिप्लस फॉर्मेट होता है वो कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, तो इसका आंसर दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियक डेंसिटी, जो हरियक वंश था उसके संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर दोस्तों बिंबसार थे, जो हरियक वंश के संस्थापक थे। आपको एक BPC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, BPC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर दोस्तों बिजनेस प्लानिंग एंड कंसोलिडेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बिजनेस प्लानिंग एंड कंसोलिडेशन। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेलोड्रोम इज एसोसिएट विद, जो वेलोड्रोम होती है कौन से खेल से संबंधित होता है, तो इसका आंसर दोस्तों साइकिलिंग से संबंधित होता है। एक वेन डायग्राम संबंधित क्वेश्चन आया था आपका, फीमेल मदर सिस्टर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था वेन डायग्राम का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोस्पेडिपेन और विजुअल पर्पल इज फाउंडेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो रोस्पेडिपेन बोलते हैं विजुअल पर्पल होता है वो कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो पाया जाता है आई के अंदर, आंखों के अंदर पाया जाता है। यूजर मेमोरी यूज टू होल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज, जो यूजर मेमोरी होती है जो यूज की जाती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो कौन सी होती है, कैच मेमोरी होती है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप पूछा गया था, तो कन्फर्म पता नहीं है क्वेश्चन क्या था।
बड़ी मिस्टेक लग रही मेरे को। आगे चलते हैं, ईडीएम पूछा गया था दोस्तों आपसे सेक ऑफ का ईडीएम क्या होगा, जिसका आंसर दोस्तों टू गेट राइड ऑफ समथिंग सेक ऑफ का ईडीएम हो जाएगा। एक आपसे इंटरनेस पूछा गया था एंटेंगल, एंटेंगल का इंटरनेस हो जाएगा रिलीज करना। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपको प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है भारतीय फुटबॉल टीम के, जिसका आंसर दोस्तों के गोविंद राज, जो भारतीय फुटबॉल टीम के भारतीय बास्केटबॉल के अध्यक्ष है, बास्केटबॉल के अध्यक्ष है। एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों चामरा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, जो चामरा बांध है कौन से राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी होती है, एक विंटर कैपिटल होती है और एक समर कैपिटल। समर कैपिटल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला, और विंटर कैपिटल की बात करें तो विंटर कैपिटल है धर्मशाला। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपका नर्मदा रिवर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एक पूछा गया था गरी माता नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो गरी माता नेशनल पार्क है वो कौन सी चीज़ के लिए फेमस है, तो इसका आंसर दोस्तों इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच फॉर ओलिव रेडल टर्टल, ये ओलिव रेडल जो कछुए होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा गरी माता नेशनल पार्क। एक आपसा लीडिंग महारत्न ऑफ द ईयर 2018-19 पूछा गया था, कौन सी कंपनी है जो महारत्न में 2018-19 में सम्मानित किया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एक क्वेश्चन आपका मेथ का पूछा गया था, ए मेटल वायर इज मोल्डेड इनटू ए रेक्टेंगल शेप एंड द लेंथ आर इन रेशो 7:4, इनिशियली इट वाज इन द सर्कल शेप ऑफ रेडियस 31.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेजर साइड, आपका इसका 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में छोटा वर्ग दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, ए मेटल वायर इज मोल्डेड इनटू ए रेक्टेंगल शेप एंड द लेंथ आर इन रेशो 7:4, इनिशियली इट वाज इन द सर्कल शेप ऑफ रेडियस 31.5 सेंटीमीटर, तो आपको बताना था लेसर साइड बतानी थी, आपको छोटी वाली साइज बतानी थी, छोटी बोता कौन सी है, तो इसका दोस्तों 36 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आया था आपका सीलिंग शो आया था इंटेलिजेंट का, आपका रीनिंग क्वेश्चन था ब्रश को ब्रश पेंटर संबंधित होता है, उसी प्रकार फार्मर किससे संबंधित होता है, आपको चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन पर टिक कर कहना था। एक क्वेश्चन आया था आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटरेस एज द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द ग्लोबल बॉडी एजेंसी फोकस इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, तो इसका आंसर दोस्तों अनीता भाटिया इसका आंसर हो जाएगा, मतलब किसको अपॉइंटेड किया गया यूनियन सेक्रेटरी जनरल के रूप में, तो किया गया अनीता भाटिया को। यह पूछा गया दोस्तों वेबनाड लेक कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर दोस्तों केरला में प्रेजेंट है, जो वेबनाड झील है वो केरला राज्य में बहती है। दोस्तों हर शिफ्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है झील का, तो आपको झील जरूर याद करके जानी है, आने वाले शिफ्टों में जरूर झील का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आया था आपका डेंस का एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका आंसर दोस्तों 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु कॉइन द टर्म मिथोकॉन्ड्रिया, जो मिथोकॉन्ड्रिया शब्द होता है वो कौन से चीज़ से संबंधित होता है, तो होता है कार्ल पेंडर से संबंधित होता है। यह क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन आता है x प्लस 1x बराबर 7 दे रखा, तो आपको एक्स क्यू प्लस 1/(x³) की वैल्यू ज्ञात करनी थी, यह आपका एलजेब्रा संबंधी क्वेश्चन था बहुत ही जी, तो इसका आंसर 322। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका मैथ में ए वैल्यू इज इंक्रीज बाय 36% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, तो आपको ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज में बतानी थी, इसका 204.8 डिक्रीज हो जाएगी। एक आपका टाइम वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था ए एंड बी कंप्लीट करते हैं एक वर्क को 12 डेज में, तो बी एंड सी कंप्लीट करेंगे द सेम वर्क को 18 डेज में, तो वाइल ए एंड सी, तो जब ए और सी कंप्लीट करेंगे एक वर्क को 24 डेज में, तो थ्री वर्क जब तीनों व्यक्ति साथ काम करें तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो कितने दिनों में सी अकेला उस काम को कर लेगा, तो कितने दिनों में सी बाकी बच्चों के काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसमें 240 आंसर आएगा इसका जब सोल्व करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यदि x बराबर 46 है केट बराबर 48 दे रखा है, तो आपको साल की कोडिंग बतानी थी, इसका 104। दोस्तों रीतने क्वेश्चन है ये आपका ट्रिगोमेट्री संबंधी क्वेश्चन आगे मेथ का, 1/(1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/(1 माइनस साइन एक्स बराबर 4 सेट थीटा दे रखा था, 4 सेट एक्स दे रखा था, तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी थी, इसका आंसर होगा 60 डिग्री। एक आपका लॉजिक वेन डायग्राम क्वेश्चन आया था रीनी का, प्लेयर क्रिकेट फादर स्टेबल दे रखा था आपको, इसी टाइप से बॉडी स्केलेटन का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे रीनिंग में। एक क्वेश्चन आया था आपका एवरेज संबंधी क्वेश्चन था, देयर आर फोर नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 4 टाइम द फोर्थ नंबर, यदि द एवरेज ऑफ ऑल द फोर्थ नंबर इज 52 फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, तो इसका 64 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए आराम से आप। आगे चलते दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच कंट्री विल बी रिक्वायर सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच एप्लीकेंट, जिसका दोस्तों यूएसए हो जाएगा।
कि कौन सी कंट्री ने सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर दी वीजा एप्लीकेशन के लिए। जब भी कोई अपन देश से बाहर जाएंगे पर यूएसए जाते हैं अपन यहाँ से, तो अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो वहाँ पे वीज़ा लेने के लिए आपको सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन होती है आपका, जैसे फेसबुक ट्विटर, इनकी जानकारी भी आपको देनी होगी जब भी आपका वीज़ा अप्लाई होगा। इस कारण से दोस्तों यूएसए ने अप्लाई कर दिया है। विच इंडिया गॉट मेक्सिको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिविंग टू फॉरेन इन 2019। कौन सी इंडिया को प्राप्त हुआ मेक्सिको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिविंग टू फॉरेन इन 2019 में? तो इसका दोस्तों प्रतिभा पाटिल को, मतलब कौन सी विदेशी नागरिक है मतलब इंडिया की तरफ से है वो जिन्हें मेक्सिको का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है? वो है प्रतिभा पाटिल, जो भारत की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है। मेंबर ऑफ द लोकसभा वर इलेक्टेड ड्यूरिंग इन 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों 17वीं लोकसभा, जो दोस्तों हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कौन सी लोकसभा थी? तो दोस्तों 17वीं लोकसभा थी, ये आपको याद करनी है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, द करेंसी विच वर मेड इन गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड आर कॉल्ड। जब गोल्ड चलाई गई थी, सिल्वर एंड कॉपर की जो करेंसी चलाई गई थी, तो जब सुल्तान काल में चलाई गई थी तो उनको क्या नाम दिया गया था? उनको दिया गया था टका एन जीतल, इनको नाम दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है द आशीष रॉय की। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, हाउ मेनी रन डज ए बैट्समैन गेट व्हेन द बॉल हिट द हेलमेट बिहाइंड द कीपर? तो इसका आंसर दोस्तों 5 रन इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिल्वर मेडलिस्ट इन पैरा ओलंपिक ग्रीस कोवडा अपॉइंटेड एज, जो सिल्वर मेडलिस्ट प्राप्त कर चुके हैं पैरा ओलंपिक में गिरीश गोवडा, इनको किस चीज़ के लिए अपॉइंटेड किया गया है? लोकसभा इलेक्शन ब्रांड मिनिस्टर, मतलब कर्नाटक के, तो इन्हें कर्नाटक का लोकसभा इलेक्शन का ब्रांड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। किसको? गिरीश गोवडा को, जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम में सिल्वर मेडल जीता था। एक क्वेश्चन आया था, यदि द बॉल स्ट्रिक ए फिल्डर हेलमेट, ये साइंस का क्वेश्चन है, व्हेन इज ऑन द फील्ड बट नॉट बीइंग वॉन, हाउ मेनी रन आर अवॉर्डेड टू द बैटिंग टीम? तो इसका दोस्तों 5 रन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, स्मृति ईरानी इज द मिनिस्टर ऑफ विच डिपार्टमेंट, जो स्मृति ईरानी है वो कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है, उन्हें कौन सा विभाग का प्रभार संभाला गया है? तो इसका दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एंड टेक्सटाइल दोनों का ही भार स्मृति ईरानी के पास है। जब भी हाल ही में 2017 में चुनाव हुए थे तो कैबिनेट मंत्री कौन बनी है? अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और टेक्सटाइल की कैबिनेट मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी बनी है। इससे पहले वो टेक्सटाइल की मंत्री थी सिर्फ। फ्लोर वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो फ्लोर वैली वो कौन सी स्टेट में स्थित है? तो स्टेट है उत्तराखंड। इसका आंसर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है फ्लोर वैली, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर इंडिया वॉन द सेकेंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया ने दूसरी बार वर्ल्ड कप मैच कब जीता था? तो इसका आंसर दोस्तों 2011 में जीता था धोनी के नेतृत्व में। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी है, धोनी थे। इससे पहले 1983 में जीता था भारत ने प्रथम बार वर्ल्ड कप, उस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश एमसीसी प्रेसिडेंट, कौन बन गए फर्स्ट नॉन ब्रिटिश एमसीसी प्रेसिडेंट, कौन बन गए हैं? तो बन गए कुमार संगकारा बन गए, जो एक श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट, जो ग्रेविटी डैम है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डोलोमाइट किसका आवश्यक होता है? तो इसका आंसर दोस्तों कार्बोनेट और ऑफ मैग्नीशियम, डोलोमाइट होता है जो मैग्नीशियम का आवश्यक होता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CmgCO3 2। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक वर्ष 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों वर्ल्ड बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिजिटल पेमेंट कमेटी, डिजिटल पेमेंट कमेटी के चेयरमैन को किसे बनाया गया है? तो बनाया गया नंदन नीलकिनी को, नंदन नीलकिनी को बनाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज अपॉइंटेड एज क्रिकेट एथिक ऑफिसर, क्रिकेट एथिक ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया डी के जैन को नियुक्त किया गया है। रेवेन्यू एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, जो रेवेन्यू एक्ट होता है कौन से ईयर में पास हुआ था? तो वो आता 1862 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी इन गुजरात विल गेट ए न्यू एयरपोर्ट, गुजरात में कौन से शहर में एक न्यू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है दोस्तों धोलावीरा में, धोलेरा में बनाया जा रहा है, धोलेरा में। इसका जो दोस्तों धोलेरा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज पास इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका दोस्तों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। विच रिवर इज नोन ए पद्मा रिवर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में पद्मा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। एक एंटेंस पूछा गया था दोस्तों आपका ओपेक का, एक एडियम फ्रेज आया था आपको फ्रॉम आर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एक और एडियम फ्रेज आया था आपका द क्रक्स ऑफ द मैटर,
एक एंटोनिस पूछा गया था आपसे एंथेरिल का, एक आपका वन वर्ड आया था विच कैन नॉट बी हेड जिसको सुना ना जा सके, एक वन वर्ड आया था रेबिट डेवलिंग जिसको ब्रो बोलते हैं। इसी प्रकार से आपके इवनिंग के सारे क्वेश्चन ये आए थे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके मैथ के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे दोस्तों। और दो जी के क्वेश्चन बताए मैं बता देता हूँ, हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, वो किया था पिंगली विज्ञान ने। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पंडित रविशंकर कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध है पंडित रविशंकर, वो प्रसिद्ध है संतूर के लिए। दोस्तों मैंने आपको सभी जीके के रीजनिंग और मैथ के सभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए इंग्लिश के, तो दोस्तों बड़ी मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को देना आप सबका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।